अभी मजलिस तमाम नहीं हो रही है, थोड़ी देर और सुन लीजिए, पूरी तवज्जो आप हज़रात की चाहता हूं। जब आज जगह रहा था अजीजों के इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने दियत लेने से इनकार कर दिया, खूबा लेने से इनकार कर दिया। ये इनकार क्या था? इनकार नहीं था, जनाब मुख्तार के अमल के लिए गुंजाइश पैदा की जाना। सुना आपने? नहीं सुना? खुदा के लिए भाई बहुत बेदार हो के सुनिए, ये जनाब मुख्तार के अमल के लिए गुंजाइश पैदा की जा रही थी। अगर वहां जनाब ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम वो खून बहा ले लेते तो आज और ज़बानें दराज हो जाती मुख्तार के खिलाफ। क्या सुन रहे हैं आप? कैसे कैसे लोग सामने आ रहे हैं। आज जनाब मुख्तार को कोई इतराज है? मुख्तार ने जो इंतकाम लिया, इमाम से इजाजत नहीं ली थी, ये नहीं था, वो नहीं था, वो नहीं था, ये इंतकाम हमारी समझ में नहीं आता, मुख्तार का अमल हमारी समझ में नहीं आता, मुख्तार का फेल हमारी समझ में नहीं आता। बड़ी कीमती बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। सुनिए अजीजों, सारी दुनिया खामोश है इसराइल के मजालिम के खिलाफ। सुनिए जो मैं अर्ज कर रहा हूं, हसन नसरुल्लाह लड़ रहे। सुन रहा है क्या? नहीं सुन रहा है भाई? बहुत तवज्जो आप हज़रात की चाहता। कौन लड़ रहा है? कि हसन नसरुल्लाह लड़ रहे हैं, अमामा बांध के मैदान में जिहाद में है। लोग समझ ले कि अमामे का मतलब खाली मस्जिद में नमाज पढ़ाना नहीं है, है? सुनिए तो मैं अर्ज कर रहा हूं, तवज्जो आप हज़रात, मर्द मुजाहिद की तरह दुनिया समझ ले कि तशय्यो किसे कहते हैं, तशय्यो किसे कहते हैं? हम इन्हें मासूम नहीं समझते, ये मासूम नहीं है, अल्लाह की तरफ से मंसूस नहीं है, लेकिन समझ रहे हैं आप, अहले बैत से मोहब्बत है, सब एक तरफ, ये एक तरफ हिला जाता है इजराइल इनसे, उसके खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, फौज का नाम भी हिजबुल्लाह रखा है। किससे लड़ रहे हैं? इजराइल से लड़ रहे हैं ना? क्या सुन रहे हैं? इजराइल से लड़ रहे हैं ना? न मालूम यहां बैठे पे कितने लोग ऐसे होंगे जिनको यही नहीं मालूम होगा हसन नसरुल्लाह का वतन क्या है। मैं गलत तो नहीं अर्ज कर रहा? यही नहीं मालूम कि उनके बाप कौन थे, यही नहीं मालूम कि उनकी मां का नाम क्या था, उनके बारे में जानते कुछ नहीं, लेकिन सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? खुश क्यों है? क्यों खुश है? क्या इसलिए कि इसराइल से लड़ रहे हैं? जालिम से लड़ रहे हैं? क्या सुन रहे हैं आप? फसादी यहूदियों से लड़ रहे हैं, जो मुसलमानों के खिलाफ साजिश कर रहे हैं उससे लड़ रहे हैं। लिहाजा हम हसन नसरुल्लाह को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, अगर कोई आला ऐलान कहे कि भाई हमारी समझ में हसन नसरुल्लाह का अमल नहीं आता, तो नया क्या नहीं सुन रहा है? अगर कोई कहे कि हमारी समझ में हसन नसरुल्लाह का अमल नहीं आता, तो लोग यही कहेंगे कि इसको कुछ ना कुछ यहूदियों से हमदर्दी जरूर है। आपको सलामत रखें, अल्लाह सलामत रखें, यही कहा जाएगा ना? हसन नसरुल्लाह जिंदाबाद, बाबे खुबानी जिंदाबाद, दोनों हाथों को बुलंद करके मौलाई नारा 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 हैदरी जिंदाबाद। सुनिए कबला, जो मैं अर्ज कर रहा हूं, आखिरी आदमी तक अगर हाथ उठा के दाद न दे तो मेरे मजलिस पढ़ने से फायदा नहीं है। अरे भैया, अगर कोई आज हसन नसरुल्लाह की मुखालिफत करे तो समझ में आएगा कि इसके दिल में यहूदियों से कुछ ना कुछ मोहब्बत जरूर है, इजराइल की मोहब्बत इसके दिल में है, तभी उनकी मुखालिफत कर रहा है। हसन नसरुल्लाह लड़ रहे यहूदियों से, मुख्तार लड़े यजीदियों से। किसकी इजाजत से लड़े, क्या किया, ये सब छोड़ो, हमें ये बताओ कि मुख्तार ने कत्ल किसे किया, किसे मारा, मुझे बताइए किसे मारा,
किसी बेगुनाह को मारा, किसी बेखता को मारा। सुन रहे हैं मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ? किसको मारा मुख्तार ने? कातिलान हुसैन को मारा, कातिलान हुसैन को मारा, यजीदियों को मारा, यजीदियों को मारा। सुना आपने? यजीदियों को मारा। भैया किसे कत्ल किया? कहा यजीदियों को मारा, यजीदियों को मारा। अब नतीजे का जुमला आपके हवाले, जैसे दिल चाहे वैसे सुनिएगा। तो अब अगर कोई किसी भी लिबास में आकर मुख्तार की मुखालिफत करे तो समझ लो यजीदियों से रिश्ता दर हो रहा।